Hello friends, from today onward let's start the last unit of physics, general physics. आज हम यह physics का last unit general physics start करते हैं और लगभग 4-5 घंटे के video lecture है और लगभग 10-12 घंटे का study material है related to it. What would be covering, what would be covered in this unit? सबसे पहले मैं यही बता देता हूं. And why so late? General physics में हम इनफैक्ट दो चैप्टर को कवर करेंगे. The first chapter is measurement of length. And the second chapter that we would be studying in this unit is error analysis or measurement of error. Measurement of error. These are the two topics, these are the two chapters that we would be covering in this unit, general physics. It's included in our JEE syllabus. Measurement of length में हमें खासकर दो instrument cover करना है. एक तो vernier calipers. हम सबसे पहले vernier calipers के बारे में समझेंगे और दूसरा हम समझेंगे screw gauge. यह दो इंस्ट्रूमेंट जिनका इस्तेमाल और जिनका यूसेज आपने 9th या 10th स्टैंडर्ड में लेबोरेटरी में अवश्य कर रखा है, हम इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे. होता क्या है, 9th और 10th क्लास में जब इन दोनों इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया या समझाया जाता है, जब लेबोरेटरी में इनको इस्तेमाल करना सिखाया जाता है, तब अधिकतर बच्चे इसे रट लेते हैं और सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन करने के हिसाब से एक्सपेरिमेंट को देख लेते हैं, सीख लेते हैं, कर लेते हैं और क्लास भी पास कर जाते हैं, मगर एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ स्क्रू गेज, किस तरीके से इससे मेजरमेंट करा जा रहा है, वो जो एक बेसिक कंसेप्ट है वो काफी कम बच्चों को समझ में आता है. हम उसी कंसेप्ट को इस चैप्टर में समझने का प्रयास करेंगे. द सेकेंड चैप्टर इज मेजरमेंट ऑफ एरर. इसमें भी हम दो पार्ट कवर करेंगे. द फर्स्ट इज एरर एनालिसिस एंड द सेकेंड पार्ट इज significant figures. Once again, throughout your 11th and 12th standard, you had done lot of experiment in your laboratory classes. In laboratory classes में आपने experiment के दौरान ढेर सारे determination करे हैं, like refractive index of glass, focal length of any lens, estimate or determination of acceleration due to gravity or the determination of Young's modulus of any steel wire or the resistance of any copper wire or any iron wire or aluminium wire. इस तरह के आपने ढेर सारे experiment करे और इन एक्सपेरिमेंट में आपने डिटरमिनेशंस करे हैं, कुछ वैल्यूज डिटरमाइन करी हैं, क्या वह वैल्यू एक्यूरेट थी? नहीं, उसमें कुछ ना कुछ एरर था. वो एरर कितना था, किस वजह से था, उन एरर को कैसे मिनिमाइज करा जा सकता है, इन सभी बातों को हम एरर एनालिसिस इस टॉपिक में कवर करेंगे. हम कोई सी भी चीज जब लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम जब जी की वैल्यू लिखते हैं,
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कभी हम लिख देते हैं 9.8 तो कभी हम लिखते हैं 9.81। तो कई बार कई प्रॉब्लम्स में बिल्कुल साफ लिख देते हैं टेक GS 10। तो कहां पर जी को 9.8 लिखा जाना चाहिए, कहां पर उसको 9.81 लिया जाना चाहिए और कहां पर उसको रफली 10 भी ले ले तो काम चल जाएगा। दिस इज पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। लाइट की वेलोसिटी कहां पर 3 × 10⁸ लिखी जाए और कहां पर 3.0 × 10⁸ लिखी जाए। दिस इज द पार्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इस बात को हम इस जगह पर समझेंगे। वंस अगेन, जनरली दिस यूनिट, दिस टॉपिक इज कवर्ड एट द एंड ऑफ सिलेबस। इसकी वजह भी हमें समझ में आ गई है कि इस टॉपिक पर जो आपको ऑब्जेक्टिव्स देखने के लिए मिलेंगे, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलेंगे, उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम उन सभी एक्सपेरिमेंट की बात करते रहेंगे जो हमने पिछले 2 साल में 11th और 12th क्लास के दौरान करे। तो उन प्रॉब्लम्स को करने के लिए और समझने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करा हुआ होना चाहिए, देखा हुआ और समझा हुआ होना चाहिए, तभी आप उन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कर पाओगे और तभी इस चैप्टर को समझ पाओगे। That's why generally this topic is dealt, generally this topic is taught at the end of syllabus. Topic start करने से पहले हम यह भी समझते हैं कि what reward or what output or what result you would get after studying this topic. I would say there is a sort of guarantee that a minimum of 1 or 2 objective would appear in the examination. IIT JEE mains में और IIT JEE advance में, दोनों ही examination में, दोनों ही part में कम से कम एक objective और कई बार 2 से 3 objective तक इस chapter पर से appear होते हैं। लगभग इस जनरल फिजिक्स का जो वेटेज है, आई वुड से इन मेंस 1 to 2 ऑब्जेक्टिव एंड इन एडवांस आल्सो, जिसका लगभग 6 मार्क्स तक होते हैं और एडवांस में भी 1 से 2 ऑब्जेक्टिव, लगभग 4 to 8 marks इस जनरल फिजिक्स यूनिट पर से अपीयर होते हैं। और हम समय कितना डिवोट करने जा रहे हैं जरा वो भी समझ ले। मेरे जो वीडियो जो लेक्चर होगा, ये जो लेक्चर जिसमें मैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ समझाऊंगा, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज के बारे में समझाऊंगा, आई वुड टेक नियरली 3 आवर्स। और इसके बाद जो मैं आपको स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, उस स्टडी मटेरियल को सॉल्व करने में, प्रॉपरली प्रैक्टिस करने में, सारे ऑब्जेक्टिव्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने में, दैट वुड टेक रफली 6 आवर्स। इसी तरह से एरर एनालिसिस में भी मेरा लेक्चर लगभग 2 घंटे का होगा इनफैक्ट, और स्टडी मटेरियल सॉल्व करने में इसमें भी आपको लगभग 6 घंटे लगेंगे। मींस यू वुड बी डिवोटिंग nearly 15 to 20 hours into this chapter. 15 से 20 घंटे में आपसे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए कहूंगा, और इन 15 से 20 घंटे के एवज में लगभग 6 marks मेंस में, that is a guarantee, and 4 to 8 marks in advance, that is a guarantee. What I mean to say is the topic have got हाई रिवॉर्ड। इसका जो आउटपुट है, इसका जो अवार्ड रिवॉर्ड है, जो यील्ड है, दैट इज वेरी हाई। आपको काफी अच्छे, काफी अधिक मार्क्स मिल रहे हैं और समय काफी कम देना पड़ रहा है, लगभग 15-20 घंटे
कि ये जो पढ़ाई करनी है 3 दिन में आप कर सकते हो, 3 दिन के अंदर ये दोनों टॉपिक आप तैयार कर सकते हो और 3 दिन के अंदर आप लगभग 3 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लोगे। एनीवे लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक दैट इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ। व्हाट लेंथ एग्जैक्टली इज? लेंथ इज स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट। आई थिंक अब इस टर्म को कोई बहुत ज्यादा मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। यू हैव गॉट क्लियर कट आइडिया ऑफ द लेंथ। इट्स स्पेस बिटवीन द टू पॉइंट। वह दो पॉइंट कैसे भी हो सकते हैं, इट्स स्पेस इन स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स। और यह दो पॉइंट कहीं पर भी किसी भी तरह से हो सकते हैं। How do we measure length? Generally, the standard unit to measure the length is meters. Well known. The SI unit is meters. The SI unit of length is meters. Now, how do we define meter? The basic definition, the first and the foremost definition, of meter was defined by French people, and it's taken from MKS system, meter, kilogram and second, MKS system se hai liya gaya hai, and that MKS system was for the first time introduced in France, and it's defined as the length between the two scratches which is marked on platinum iridium rod kept in a museum in the France, in the Paris. France mein, Paris mein ek museum hai, us museum mein platinum iridium ki ek rod rakhi hui hai, us rod par do scratches marked hai, and the length or the space between the those two scratches is termed as 1 meter. This is the basic definition of 1 meter. We say that there is a problem in this definition. Is meter ki is definition mein ek problem hai. And what that problem is? Any metal, any rod, इसमें जब हम दो marks, दो scratches बनाते हैं तो उनके बीच में जो space है वह fix नहीं होती है। It change with the changing physical parameter, with the changing ambient condition. Let me point out that physical parameter, it's temperature. When temperature rises, metal expand, and due to the expansion of that metal, the space between that two scratches would increase. And with the decreasing temperature, the metal contract. जब temperature कम होगा तो metal contract होगा, and due to that contraction in metal, the space between that two scratches would decrease. इस तरीके से जो हम स्टैंडर्ड डिफाइन कर रहे हैं वह स्टैंडर्ड ही टेम्परेचर के साथ में वेरी करेगा, और जब स्टैंडर्ड ही टेम्परेचर के साथ में वेरी करे, जब स्टैंडर्ड ही एम्बियंट कंडीशन के साथ में वेरी करे, स्टैंडर्ड ही फिजिकल कंडीशंस के साथ में वेरी करे, तो फिर उसको रेफरेंस नहीं बनाया जा सकता किसी और चीज को मेजर करने के लिए। काफी समय तक इस डेफिनेशन को फॉलो करा गया, मैटर को, मीटर को इसी तरीके से डिफाइन करा गया, बट प्रेजेंटली आज के समय हम उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि यह डेफिनेशन ले लेना, इसको एक्सेप्ट कर लेना, इससे समस्याएं हैं। हम
इससे जब दूसरी चीज को मेजर करने जाएंगे तो फर्क आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई विश टू मेजर द लेंथ ऑफ दिस बोर्ड, तो गर्मियों में इस बोर्ड की लेंथ उस रॉड से कुछ अलग आएगी और सर्दियों में इस बोर्ड की लेंथ उस रॉड से कुछ अलग आएगी. आप यह बात कहेंगे कि वो रॉड एक्सपांड कर रही है तो बोर्ड भी तो एक्सपांड कर रहा है गर्मियों में. वह रॉड कॉन्ट्रैक्ट कर रही है सर्दियों में तो यह बोर्ड भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. हां, मान ली मैंने बात, मगर क्या इक्वल एक्सटेंट में? भाई, इस बोर्ड का मेटल, इस बोर्ड का मटेरियल कुछ और है और रॉड का मटेरियल कुछ और है. दैट इज मेड अप ऑफ प्लेटिनम इरिडियम. गर्मियों में जब यह बोर्ड एक्सपांड करेगा तो इसका एक्सपांशन कुछ और होगा और रॉड की लेंथ का एक्सपांशन कुछ और होगा, डिफरेंस आएगा. सर्दियों में कॉन्ट्रैक्शन कुछ और होगा. मोर ओवर, हम इस बोर्ड की बात छोड़ें, इफ वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, नाउ डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ डू नॉट वेरी विथ टाइम, विथ चेंजिंग वेदर और चेंजिंग क्लाइमेट. इट्स फिक्स्ड. नाउ इफ दैट डिस्टेंस इज मेजर्ड, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मेजर्ड यूजिंग दैट रॉड, नाउ देयर वुड बी डिफरेंस. सो डेफिनेटली इट्स अ डिस्कार्डेड डेफिनेशन. नाउ फिर हम मीटर को किस तरीके से डिफाइन करें? हमें मीटर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करना चाहिए जिससे उस डेफिनेशन में, उस स्टैंडर्ड रेफरेंस में कोई फर्क नहीं आए. हमने इसके लिए इस्तेमाल करा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पढ़ा था, उस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान जो एनर्जी रेडिएशन पढ़ा था, उस एनर्जी रेडिएशन की जो वेवलेंथ पढ़ी थी, हम उस टर्म्स में डिफाइन करते हैं. वी टेक क्रिप्टॉन 86, क्रिप्टॉन 86 ब्रैकेट में लिखता हूं, हूज एटॉमिक नंबर 86. इस क्रिप्टॉन 86 में 2p का इलेक्ट्रॉन जब 5d में ट्रांजिशन करता है, या फिर रिवर्स ट्रांजिशन बोलो, 5d का इलेक्ट्रॉन जब 2p में ट्रांजिशन करता है, इस ट्रांजिशन के दौरान रेड ऑरेंज कलर की एक वेवलेंथ रेडिएट होती है. इस ट्रांजिशन के दौरान रेड ऑरेंज कलर की एक वेवलेंथ रेडिएट होती है. नाउ दैट पर्टिकुलर वेवलेंथ इज फिक्स्ड, इट हैव गॉट फिक्स्ड लेंथ, इट डू नॉट वेरी, इट नेवर वेरी विथ एनी फिजिकल पैरामीटर, विथ एनी चेंजिंग एम्बियंट कंडीशंस. Now, we used to define meters in terms of this wavelength. Meter is defined in its terms. सम मल्टीपल. नाउ वी यूज टू से, नाउ दिस इज अ वेरी स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ मीटर, अ फिक्स्ड डेफिनेशन. और वी मे डिफाइन मीटर्स इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड. मोर प्रिसाइसली वेलोसिटी ऑफ लाइट इज
29973.2458 मीटर्स पर सेकेंड समथिंग हो सकता है, कुछ एकाध फिगर इधर उधर हो, बट जो हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3×10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, वो एग्जैक्टली 3×10⁸ नहीं है, वो कुछ इस तरह का फिगर है 299.732.458 मीटर्स पर सेकेंड. सो व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 1 मीटर? टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रेवल 1 मीटर इज 1/c और 1/299.732.458 seconds. Now, meter is also defined in this terms. 1 meter is the distance traveled by the light ray in 1/c seconds. 1 meter is distance traveled by light in 1/c seconds or 1/299.732.458 seconds. Now this is the most standard definition of 1 meter, the standard unit for measurement of length. Now, let us discuss about few length. Hum jara soche, the smallest distance between the two point will call the smallest distance is the radius of proton or the diameter of proton, the diameter of neutron, that would be the smallest distance that we may need to measure. I will say the distance between elementary particle, hum inko elementary particle kehte hain, radius of elementary particle is in the range of, kis range mein hota hai? It's in the range of 10⁻¹⁵ meters. I think this is the smallest distance jo measure karte. Yadi hum isi ke comparison mein measure karein what is डायमीटर ऑफ अ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का डायमीटर किस रेंज में होता है? न्यूक्लियाई इट्स न्यूक्लियाई के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियाई बड़ा होता है, डायमीटर ऑफ न्यूक्लियाई इज जनरली इन द रेंज ऑफ 10⁻¹⁴ मीटर. न्यूक्लियाई की जो साइज होती है दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻¹⁴ मीटर. इससे बड़ा यदि कोई पार्टिकल हम सोचे दैट इज एन एटम, जो पूरा एटम होता है विच इंक्लूड न्यूक्लियस एज वेल एज ऑल द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड इट, द साइज ऑफ एटम इज इन द रेंज ऑफ 10⁻¹⁰ मीटर्स. और यदि हम बात करें इससे बड़े पार्टिकल, द थिंग इज साइज बढ़ती चली जाएगी. Length of this board would be in meters. यदि हम board की बात करें it's in few meters. यदि हम एक football ground की बात करें that would be in the range of few hundred meters. Cricket ground की बातचीत की जाए it would be in the range of few hundred meters. If we talk about the diameter of earth,
it would be in the range of 10 to the power 6 kilometers, 6000 kilometers, or 6000 kilometers means 10 to the power 6 meters ke range mein hoga, diameter of Earth. If we talk about distance between Sun and Earth, then that is in the range of 10 to the power 11 meters. मैं इस इंफॉर्मेशन को इधर लिखता हूं, सन एंड अर्थ इफ यू टॉक अबाउट डिस्टेंस बिटवीन देम, इट्स इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 11 मीटर्स. इफ यू टॉक अबाउट डिस्टेंस ऑफ द नियरेस्ट स्टार, नियरेस्ट स्टार that is in the range of 10 to the power 15 or 10 to the power 16 meters ke range mein hota hai. If we talk about our galaxy, it's in the range of 10 to the power 20 meters. And we know that there are thousands of galaxies. हमारी जो गैलेक्सी है दैट इज एंड्रोमेडा गैलेक्सी एंड वी लाई एट द कॉर्नर ऑफ दिस गैलेक्सी, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी जैसी हजारों गैलेक्सी है या लाखों गैलेक्सी है. इफ वी टॉक अबाउट क्लस्टर्स ऑफ ऑल दिस गैलेक्सी क्लस्टर, इन सबके क्लस्टर की बात करें, इट्स इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 25 मीटर्स. I think this is the largest distance that may be measured. इससे कम डिस्टेंस हम मेजर नहीं कर सकते और इससे अधिक डिस्टेंस का हम सोच भी नहीं सकते शायद. Why I'm telling this? We use different standard, different units in order to measure all this length. जब हम क्रिकेट ग्राउंड की बात करते हैं तो मीटर्स एक अच्छा यूनिट है. When we talk about the radius of earth, then we generally use kilometers or miles. When we talk about distance of nearest star or the size of galaxy, then the appropriate unit is light years. When we talk about the size of an atom, then the appropriate unit is Armstrong. When we talk about the size of this chalk, the appropriate unit would be centimeters or the inches. हम कहना चाहते हैं, in order to do various measurement, we use different and appropriate unit, and that measurement is done using some devices. In जो length का measurement है, हम इस measurement को करने के लिए appropriate device का इस्तेमाल करते हैं. With that note, let me start the devices used for the measurement of length. I'll teach the first device, that is the metric scale or the ruler, and then we'll come to this vernier calipers, and then we'll discuss about this screw gauge. Let's make a note of all this thing and start with devices used to measure the length. Please note it down.